कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है और इसको ऐसा लगता है कांग्रेस को कि जैसे पिछली बार बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दे को होल्ड करके चाह रही है कि शायद वैसे घोटाले ये सब जो हुए थे कांग्रेस के शासन में और हमने उठाए थे, अब उसी के पर्दे चलता है। अभी जिस हिसाब से इनका गौरव बूथ चल रहा है उसके नाते भी ये था कि हमारा बूथ हमें उसी हमारी होल्ड कर रहे हैं, उसी के तहत में ये बार बार राफेल का घोटाला, महंगाई का घोटाला इन्हें लेके आ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा जिसे पब्लिक के बीच में जाए। मैं समझता हूँ 4.5 साल के अंदर में देश के प्रधानमंत्री ने और 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री ने जो विकास कार्य किए हैं, मैं कल पूरे उसमें यात्रा पर था, मैंने सांसद उप यात्रा निकाली थी, गाँव में जो माहौल है और जो देखने को मिलता है, मैं समझता हूँ कहीं किसी को ऐसा नहीं लगता, हर आदमी इस बात को मानता है कि वाकई विकास हुआ है और ये जो भी कुछ है वो सब बेकार की बात है। आदमी इस बात पर कहीं भी नहीं बैठता, सिर्फ ये जरूर है कि जहाँ बंद की बात आती है आदमी व्यापारी ये सोचता है यार मैं क्यों लफड़े में पड़ूं, कोई मैंने 2 घंटे दुकान बंद कर लेता हूँ, वो शांति चाहता है, इसलिए कोई दुकान बंद हो जाती है यानी कोई किसी प्रकार का कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा। जो चीज़ आप कह रहे हो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ती हैं, अभी कच्चे तेल के ऊपर जैसे हिसाब से महंगाई बढ़ी है, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री इसकी गंभीर विचार कर रहे हैं। मजदूर को जितना मजबूत किया जाएगा उतना ही देश विकास करेगा, हमेशा मजदूर भी अपनी बात को रखता है और इसमें कोई दो राय माने कि 1 साल के अंदर में अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का माध्यम बनता है, उसके लिए कार्यक्रम था, मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने सम्मान दे दिया और मैं इस बात को मानता हूँ कि मजदूर की जो भी मांग है वो वाजिब होती है, हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, सरकार भी हमेशा मानती है, अगर मजदूरों की मांग पूरी होती रहेंगी तो देश तरक्की करेगा। ये मैं मानता हूँ कि चाइना देश है, देश को हम पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमारे मजदूर को मजबूती मिले। नहीं, कल कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया है पेट्रोल की महंगाई के विरोध के अंदर, क्या कहेंगे? समझता हूँ कि